हेलो फ्रेंड्स, BehindRecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को चने की साग बनाने की विधि बताऊंगी। ये बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम चने का साग लेंगे। आपको जितना आवश्यकता हो उतना रखिए। यहाँ हम 1 किलो चने का साग लिए हैं, उसको अच्छे से साफ कर लिए हैं। और अगर घर का चने का साग हो तो उसे धोना नहीं पड़ता है, खरीद के मार्केट से लाए हैं तो उसे धो लीजिए। ये घर का है इसलिए हम इसको अच्छे से साफ करके और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए, बारीक बारीक साग को हम कटिंग कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हम सरसों का जो है पत्ता और थोड़ा सा बथुआ भी मिक्स कर लिए हैं, उससे भी जो है चिकना बनता है साग। और सभी साग को अच्छे से हम एक कुकर में डाल लिए हैं। अब 1 किलो ये साग है, घर का है, धुला हुला नहीं है, तो इसमें हम पानी 1 गिलास डालेंगे, क्योंकि जो है साग, चने का साग थोड़ा टाइट होता है तो इसको गलने में टाइम लगता है। तो इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। अगर घर में धोई है तो पानी थोड़ा कम डालिए, नहीं तो पानी पानी हो जाएगा। और अब 1 गिलास पानी डाल देंगे हम इसमें। 2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, 2 छोटी चम्मच है। और इसको हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का और मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 7 सीटी लगा लेंगे ताकि अच्छे जैसे जो साग है वो गल जाए। तो देखिए, 5 से 7 सीटी लगा लिए हैं और इसका प्रेशर हम निकाल दिए हैं। अब साग जो है अच्छे से गल गया है और अब हम इसे चेक करेंगे कि इसमें थोड़ा पानी तो नहीं है। तो देखिए, साग में पानी बहुत नहीं है बिल्कुल। अगर आपके साग में पानी हो तो उसको जो है सुखा लीजिए हाई फ्लेम पे। तो देखिए, सूख गया है अच्छे से। इसको हम कलछी से मिक्स करते हुए मिला लेंगे और ठंडा होने के लिए हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कुकर से हम निकाल लिए हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना है। और जितना ये हाथ से जले ना उतना रखिए, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। नमक तो पहले ही हम डाल दिए हैं। इसमें ये बारीक कटा हुआ हरा लहसुन है, इसे भी डाल देंगे। और ये बारीक कटा हरा धनिया है, हरी मिर्च है। और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल है। इन सभी चीज़ों को डाल करके और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, चना का साग बनके बिल्कुल रेडी है। इसको चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देख के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।